चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले मामले में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में एनडी गठबंधन 31 मार्च रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली आयोजित करने जा रहा है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने खुद इस बात की जानकारी दी है। गोपाल राय ने कहा, पूरे देश ने देखा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जो लोग हमारे संविधान संगठन से प्यार करते थे वे अब गुस्से में हैं। तो देखिए, इंडी गठबंधन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। कथित शराब नीति घोटाले मामले में इंडी गठबंधन 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेगा। अब दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी महारैली। इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, जो लोग भी संविधान में विश्वास करते हैं, जो लोग भी इस लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के हों, चाहे सामाजिक संगठनों के हों, चाहे व्यापारिक संगठनों के हों, जो लोग भी इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे मेरी अपील है कि 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो और इस देश को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए अपनी आवाज को हम वहां से बुलंद करेंगे और वहां से और मिल करके इस संयुक्त लड़ाई को और देश के अंदर आगे बढ़ाएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई है। अपराजिता, जिस तरह से इंडी गठबंधन की तरफ से ये जानकारी दे दी गई है और विरोध कहीं ना कहीं इस बात का किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर, अब एकजुट विपक्ष होता नजर आ रहा है और क्या जानकारी इसको लेकर अपराजिता? बिल्कुल सृष्टि, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट होकर अरविंद केजरीवाल के लिए साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही देखिए सृष्टि, आम आदमी पार्टी ने इससे पहले भी प्रेस वार्ता की थी और साफ तौर से कहा था कि 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास का भी घेराव करेंगे, यानी 25 तारीख को होली नहीं मनाया जाएगा। साथ ही 26 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की तरफ वो बनेंगे और घेराव किया जाएगा। वहीं अब मार्च 21 को भी कहा जा रहा है कि दिल्ली रामलीला मैदान वो एकजुट होंगे, 10 बजे वो सभी पहुंचेंगे। और साफ तौर से उन्होंने अपील की है सभी जनता को, पार्टी को कहा है कि जिन भी लोग डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं, वो चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, वो सभी एकजुट होकर पहुंचे। और बिल्कुल, हालांकि उन्होंने रेफरेंस भी लिया है कि पिछले बीते दिनों जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी उसका भी रेफरेंस लिया। साफ तौर से क्या है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है गोपाल राय ने, बिल्कुल हमने सुना। और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता है उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाता है। जो झुकने को तैयार नहीं होता है उसे या तो खरीद लिया जाता है या उनके पीछे एजेंसियों को लगा दिया जाता है। तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी सभी विपक्ष को धीरे धीरे तोड़ना चाहती है, चाहे वो बिहार के हो जाए या फिर झारखंड के हो जाए या फिर वेस्ट बंगाल की टीएमसी हो जाए, दिल्ली की हो जाए, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। तो तमाम बातें गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करती है। ठीक है, अपराजिता, अब ये जो महारैली होने जा रही है, इंडी गठबंधन इस महारैली को करके क्या कोशिश करना चाहेगा? क्योंकि जनता के सामने एक वो तस्वीर ये दिखाना चाह रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी करवा रही है। अब इस महारैली को करने के पीछे मकसद क्या आगे नजर आएगा इंडिया का? जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, लगातार आम आदमी पार्टी हो जाए या फिर कोई भी पार्टी हो जाए, लगातार उनका कहना है कि जो भी समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए थे वो गैर कानूनी है। लगातार उनका कहना है, चाहे वो कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाए, उन्होंने ओडिशा में साफ तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। और साथ ही देखिए, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहा है, लगातार ये एलिगेशन लगाए जाते हैं कि इनका गठबंधन में खुद में फूट है,
वो एकजुट होकर नहीं लड़ पाएंगे इलेक्शन से, तमाम चीजें देखने को मिलती है। तो एक तरीके से यहाँ पर जब साथ में पूरी इंडिया गठबंधन साथ जुटेगी तो साफ तौर से यह सिद्ध होगा कि इंडिया गठबंधन अभी भी एक साथ है। पहली दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं तो लोकसभा चुनाव में भी यह नजदीकियां देखने को मिलेगी। और साफ तौर से यह भी दर्शाता है कि वो बिल्कुल सभी, जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी या फिर हेमंत सोरेन की बीते दिनों जब गिरफ्तारी हुई थी, साफ तौर से सभी इंडिया गठबंधन की जितनी भी पार्टी है या फिर सहे सारी ऑपोजिशन ने साफ तौर से कहा था कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है उनके पीछे इन तरह की चीजें की जाती है। तो साफ तौर से दर्शाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है इस शराब घोटाले मामले में, जिनकी भी गिरफ्तारी हुई है पिछले दिनों और अब अरविंद केजरीवाल की जब गिरफ्तारी हुई, तो साफ तौर से दर्शाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम चीजें करवाई है। क्योंकि हमें देखा था जब अरविंद केजरीवाल के घर पे ईडी पहुंची थी और जब इन्होंने गिरफ्तार किया था तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी साफ तौर से ट्वीट कर कहा था कि राजनीतिक दलों की है ईडी इस तरह से दूषण लगाते रहते हैं। तो तमाम तौर से दिखाना दर्शाना चाहती है कि पहली तो इंडिया गठबंधन एकजुट है और दूसरी की भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वो सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए। बिल्कुल, और इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं से एकजुटता और मजबूती भी मिली है एकजुट होकर, जिस तरह से पूरे ये जो तमाम पार्टियों के नेता हैं सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपराजिता आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और देखिए मुद्दा यही था, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा जिसको उठाया गया और सरकार पर भी निशाना साधा, ईडी पर भी निशाना साधा इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में।